दोस्तों, शाहिद हमीद और वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं और दोनों ने तवील अरसे तक पाकिस्तानी फिल्म पर हुक्मरानी की। वहीद मुराद और शाहिद दोनों रोमानवी हीरोज के तौर पर बहुत मशहूर हुए और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शाहिद की फिल्मों में आमद के बाद वहीद मुराद अपनी अहमियत खो बैठे और नाकामी और डिप्रेशन का शिकार हो गए, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि वहीद मुराद पर बाकायदे एक साजिश के तहत शाहिद को मुसल्लत किया गया था और वहीद के साथ मुसलसल नाइंसाफियां की गई, जिसमें सबसे बड़ी नाइंसाफी ये थी कि इस अजीम अदाकार को मामूली किरदारों में मुसलसल जाया किया गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शाहिद पैदाइशी हीरो था और उन पर कैमरा आशिक था और वो जो भी किरदार अदा करते उन पर सूट करता था। इस वीडियो में हम वहीद मुराद साहिब और शाहिद के एक्टिंग स्किल्स, गानों की अक्सबंदी, रोमानवी मनाजर की फिल्म बंदी और बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों की कामयाबी और नाकामी पर तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में अजीम अदाकार कौन था और सही मानों में एक अजीम हीरो कहलाने का मुस्तहिक वहीद मुराद था या फिर शाहिद। दोस्तों, शाहिद का ताल्लुक ओकाड़ा के एक जागीरदार खानदान से था और नवाबी तबीयत और लापरवाही उन्हें बचपन से मिली थी, जो बाद में फिल्म इंडस्ट्री में कई फनकारों की बर्बादी और खुद शाहिद की बदनामी का सबब बनी। शाहिद 1971 में फिल्म एक रात में साइन किए गए, लेकिन उनकी खूबसूरती और मर्दाना वजाहत को देखते ही देखते फिल्मसाज और हिदायतकारों ने उन्हें इतनी फिल्मों में कास्ट किया कि जब ये फिल्म एक रात रिलीज हुई तो इससे पहले उनकी 10 फिल्में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। शाहिद की रिलीज होने वाली पहली फिल्म आंसू थी, जो 1972 में रिलीज हुई और इस फिल्म में उनके साथ नदीम, निशो और फिरदौस ने भी काम किया था। ये अदाकारा मुमताज़ की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में शाहिद का किरदार एक विलन का था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद शाहिद के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने सिर्फ 8 सालों में 100 फिल्मों में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वहीद मुराद साहब के साथ शाहिद ने कुल 12 फिल्मों में काम किया, जिनमें दीदार, शीशे का घर, दिल ने प्यार याद किया और शबाना मशहूर फिल्में हैं। शबाना उनकी डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई और इसमें वहीद मुराद साहब की बेहतरीन अदाकारी के बावजूद निगार अवार्ड शाहिद को दिया गया, जबकि दोनों की फिल्म दिल ने प्यार याद किया ने गोल्डन जुबली मनाई। वहीद मुराद साहब और शाहिद की फिल्म शीशे का घर इसलिए नाकाम रही कि इस फिल्म में वहीद मुराद ने विलन का किरदार अदा किया था और वहीद के लाखों फिल्मबीन फिल्म में वहीद को शाहिद से मार खाते हुए न देख सके और विलन का ये किरदार शाहिद पर ही सूट करता था, जो आम जिंदगी में भी ऐसे रोल प्ले करने के लिए मशहूर था, इसलिए यह फिल्म नाकाम रही। शाहिद की ब्लॉकबस्टर टॉप 10 फिल्मों में शबाना, उफ ये बीविया, दिल ने प्यार याद किया, अनमोल, आंसू, आजमाइश, घराना, आबशार, जीनत, सुरैया भोपाली है। 80 की दहाई में शाहिद का मुकम्मल जवाल शुरू हुआ और वो मुसलसल नाकाम फिल्मों की एक लंबी लाइन लगाकर गुमनामी में चले गए। अगर अदाकारी की बात की जाए तो शाहिद एक बसलहियत अदाकार थे, लेकिन उनकी शख्सियत पर विलन और नेगेटिव रोल ही सूट करते थे और फिल्म शबाना की जबरदस्त कामयाबी की वजह भी यही थी कि इस फिल्म में शाहिद का किरदार उनकी जिंदगी के ऐन मुताबिक था। वो संजीदा अदाकारी और कॉमेडी दोनों तरह के किरदार कर सकते थे, लेकिन अलमी अदाकारी में ओवर एक्टिंग करते थे। गानों की पिक्चराइजेशन में इंतहाई कमजोर थे, यही वजह है कि उन पर फिल्माए गए गीत सिर्फ ऑडियो में सुनने पर ही मजा देते हैं। अब बात करते हैं चॉकलेटी हीरो और रोमांस के शहजादे की। तो वहीद मुराद साहब ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उस वक्त सुधीर, तालिश, संतोष कुमार, दर्पण जैसे सुपरस्टार फिल्मों की जान थे और मोहम्मद अली जैसा वर्सल अदाकार भी अपने पूरे जोबन पर था। इसके बावजूद उनकी लगातार सुपरहिट फिल्मों हीरा और पत्थर, कनीज, एहसान, दोराहा, अरमान ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री बना दिया था। वो मुसलसल 12 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते रहे। वहीद मुराद साहब एक मुकम्मल फनकार थे, रोमानवी मनाजर के तो वो किंग थे ही, कॉमेडी और ट्रेजिडी किरदारों में भी वो जान डालते थे। फिल्म दिल ने प्यार याद किया के जज्बाती मनाजर में वहीद मुराद साहब ने शाहिद को चारों शाने चत कर दिया था और फिल्म जब जब फूल किले में एक गैम्बलर और आवारा इंसान के किरदार में मोहम्मद अली और नदीम जैसे अदाकारों पर वो हर सीन में बारी नजर आते हैं। मोहम्मद अली और नदीम इंडियन फिल्मों में काम करके नाकाम हुए, जबकि बॉलीवुड में सिर्फ वहीद मुराद साहब को ही पाकिस्तान का अजीम अदाकार तस्लीम किया जाता है और किसी इंडियन अदाकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहीद मुराद साहब को अपने साथ फिल्म में कास्ट करते।
इंडिया में एक्टिंग सिखाने वाले इदारे पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग में सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से विद मुराद साहब की तस्वीर लगी है और दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को छोड़कर कोई इंडियन अदाकार विद मुराद साहब का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो इन मुराद और शाहिद में अजीम अदाकार की बात की जाए तो मेरी नज़र में शाहिद का मुकाबला किसी सूरत विद मुराद से नहीं किया जा सकता। रोमानवी, ट्रेजिडी, कॉमेडी, आंखों और चेहरे के तासुरात, गानों की फिल्म बंदी, गरज, अदाकारी के हर शोबे में विद मुराद शाहिद से कहीं बड़े अदाकार थे। फिल्म दिल ने फिर याद किया मैं शाहिद के सामने ट्रेजिडी एक्टिंग करके विद मुराद साहब ने साबित किया कि वो सिर्फ रोमानवी हीरो नहीं बल्कि ट्रेजिडी किंग भी है। इस फिल्म के एक सीन में शाहिद विद मुराद के सामने हर सीन में दबे दबे नजर आते हैं। इस फिल्म में गानों की पिक्चराइजेशन में विद मुराद साहब ने राजेश खन्ना को भी पीछे छोड़ दिया है जो गानों की पिक्चराइजेशन के लिए बॉलीवुड में मशहूर थे। ये बात समझ नहीं आती कि 1976 से 1978 तक शाहिद की 20 से ज्यादा फिल्में सुपर फ्लॉप रही लेकिन उसे फिल्में भी मिलती रही और ना ही किसी ने उस पर नाकाम अदाकार का लेबल लगाया, जबकि 1980 के आगाज में विद मुराद साहब की 2-3 फिल्में ज्यादा बिजनेस न कर सकी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया। हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वहीद की फिल्में नाकाम थी, खुद वहीद मुराद नाकाम नहीं थे, जबकि शाहिद को 90 की दहाई के आगाज में कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, शाहिद और विद मुराद दोनों हमारे सीनियर हैं और हमारे हीरोज हैं और हम उनके फन और फिल्मों की कदर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहिद के मुकाबले में विद मुराद एक अजीम अदाकार थे लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें फजूल किरदारों में ज़ाया किया गया और दूसरे अदाकारों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन पर मुसल्लत किया गया। वरना दुनिया जानती है कि विद मुराद साहब के पास दौलत, शोहरत, अजमत और खूबसूरती किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन नज़रअंदाज किए जाने का वो वार जो खुद अपने दोस्तों ने उन पर किया वो सीधा उनके दिल पर लगा था जिससे वो जानबर न हो सके। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी।